आप सभी को पिपटी शो हो रही है? भैया यस जी सर। भैया। आज हम सभी चर्चा करने जा रहे हैं योग दर्शन की। एक बार हम गायत्री महामंत्र के माध्यम से आरंभ करते हैं आज की कक्षा का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम आज चर्चा करेंगे योग दर्शन की। योग शब्द का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, जो योग दर्शन है, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको योग दर्शन समझा देता हूँ। योग दर्शन मतलब एक प्रकार का ब्रह्म दर्शन। यहाँ योग शब्द को समाधि अर्थ के लिए प्रयुक्त किया गया है। योगः समाधि, ऐसा दर्शन जो आपको समाधि का दर्शन कराए, समाधि की प्राप्ति कराए, ऐसा एक दर्शन जो आपको ब्रह्म की प्राप्ति कराए। ब्रह्म दर्शन, आत्मदर्शन भी कह सकते हैं। एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी दृष्टि जो आपको ब्रह्म की प्राप्ति कराए, आपको स्वयं की प्राप्ति कराए, वो है योग दर्शन। तो ये इसमें किन किन विषयों की चर्चा है, योग किसे कहते हैं, इस विषय पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। योग शब्द यु समाधो धातु में घ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है समाधि। यह योग का अर्थ समाधि किया गया है। यु समाधि अर्थात चित्त वृत्ति का निरोध। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की जो परिभाषा है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। अब यहां पर हम चित्त विषय को भी समझेंगे विस्तृत रूप से। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। अब चित्त क्या है, इसे भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त जो शब्द है वो चिति संज्ञाने एवं चिति स्मृत्यां, इन दो धातु में भाव में घ प्रत्यय करके निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है चिति संज्ञाने। जो चिति संज्ञाने शब्द है, इसका अर्थ होता है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसमें जिसमें ज्ञान की संपूर्णता है, वो चित्त है। और चिति स्मृत्यां, चिति स्मृत्यां अर्थात जिसमें स्मरण करने के साधन अंतर्निहित है, वो चित्त है। मतलब यहाँ चित्त के दो अर्थ हुए। चित्त वह हो जो ज्ञान से परिपूर्ण है, और दूसरा चित्त का अर्थ ये हुआ कि जिसके माध्यम से आप अनेक प्रकार के स्मरण कर सकते हैं और जिसमें स्टोर कर सकते हैं। एक प्रकार का आप चिप समझिए, मोबाइल में जैसे चिप लगाते हैं, वैसे ही आपके अंतःकरण में भगवान ने एक चिप दे दिया है, जिसका नाम चित्त है, जिसके माध्यम से आप कुछ भी याद करते हैं तो वो चित्त में स्टोर होता है। ठीक है। चित्त सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, इन तीन जड़ वस्तुओं के मेल से बना हुआ एक जड़ पदार्थ है। चित्त क्या है, एक जड़ पदार्थ है, और ये तीन गुणों से मिलकर बना है, सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से, इसलिए ये जड़ है। चित्त के जड़ होने में प्रमाण क्या है, तो यहाँ कह रहे हैं चित्त के जड़ होने में प्रमाण है, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्व त्रिगुणम। चित्त जो है तीन गुण वाला है। प्रख्या, प्रख्या मतलब प्रकाशवान, प्रवृत्ति मतलब क्रियाशील, और स्थिति मतलब नियमन, रोकने वाला, स्थितिशील। तो यहाँ कह रहे हैं प्रवृत्ति का जो अर्थ है वो ज्ञान स्वरूप सत्व है, वह चित्त है। जो ज्ञान, क्योंकि चित्त में सत्वगुण प्रधान होता है, इसलिए इसे कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप सत्व है, वो चित्त है। वृत्ति कह रहे हैं व्यापार को। वृत्ति मतलब व्यापार। जैसे हम समझेंगे, एक सरल भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं, यदि आपको चित्त को समझना है और वृत्तियों को समझना है, तो एक बहुत सरल सा मैं आपके लिए एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे आप चित्त को मन समझ लीजिए, और वृत्तियां मतलब विचार। तो ऐसे जहां पर आपके अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं, वो क्या है, वो आपका चित्त हो गया। एक प्रकार कई सांख्य दर्शन में चित्त को मन के रूप में भी यहाँ कहा गया है, चित्त मन है, इस प्रकार सांख्य दर्शन कहता है। तो योग दर्शन मन और चित्त को अलग अलग कहता है, लेकिन सांख्य दर्शन चित्त को ही मन मन की बात करता है। तो आप ऐसा सरल रूप में समझ सकते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का रुक जाना, वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। रुक जाना मतलब वृत्तियां जो है अपने स्वरूप में आ जाएं,
स्वरूप में, जो उनका मूल स्वभाव है उसमें आ जाए, वो योग हो जाएगा। सरल भाषा में समझें तो जो मन के विचार हैं, उन मन के विचार का रुक जाना, मन के जो मूल विचार हैं, मन का उसमें मूल विचार में स्थित हो जाना ही योग है। सरल भाषा में आप यदि समझें तो, जो मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं, दिन भर में कई प्रकार के विचार आते रहते हैं, कई अशुभ विचार भी आते हैं, कई शुभ विचार भी आते हैं, तो जो मन के विचार हैं उन अशुभ विचारों का समाप्त हो जाना, और जो शुभ विचार हैं उस शुभ विचार भी अपने स्वरूप में आ जाएं, मूल में आ जाएं, मूल में आकर स्थित हो जाएं, वही योग है। यहां बता रहे हैं कि जो सत्व है वो प्रकाश रूप है, चित्त तीन गुण वाला कहा ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो चित्त का जो सतोगुण है वो प्रकाश रूप है, और चित्त का जो रजोगुण है वो प्रवृत्ति स्वरूप है, गतिशील है, और चित्त का जो तमोगुण है वो नियमन मतलब रोकने वाला है, स्थितिशील है। इस प्रकार ये तीनों गुणों से जो है चित्त निर्मित होता है, इसलिए इसे त्रिगुण से निर्मित होने के कारण इसे जड़ कहते हैं। चित्त की रचना सत्वगुण प्रधान है, इस कारण रजस तमस के उद्वेग भी चित्त का प्रकाश स्वभाव निरंतर बना रहता है। मतलब अनेक प्रकार के रजस तमस चीजें आती हैं चित्त में, लेकिन चित्त का जो मूल स्वभाव है वो सत्वगुणी है, इसलिए चित्त में हमेशा प्रकाश रहेगा ही रहे। के पहले सूत्र में उन्होंने योग समाधि कह दिया, मतलब योग क्या है, समाधि है। वैसे योग के तीन अर्थ है, युज समाधो, युजीर योगे, युज संयमने। योग जो है तीन अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक तो योग शब्द का अर्थ होता है युजीर योगे, योग मतलब जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, इस शब्द में योग शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा है युज संयमने, संयम करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर वशीकार करना, इस शब्द में भी योग शब्द प्रयुक्त होता है। और तीसरा है युज समाधो, युज समाधो का अर्थ है योग जो है समाधि शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है। मतलब योग प्राचीन काल से योग शब्द का प्रयोग किस लिए होता रहा है, समाधि की प्राप्ति के लिए, एक ऐसा जिसके माध्यम से व्यक्ति समाधि की प्राप्ति कर सके। समाधि क्या है, तो समाधि को आप यदि समझेंगे तो एक ऐसी अवस्था जिसके माध्यम से आप जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उस स्टेट को समाधि कहते हैं। केवल हम समाधि सोच लेते हैं कि जिस अवस्था में आप अपने आत्मा का नियंत्रण कर पा रहे हैं, मन की वृत्तियों का नियंत्रण कर पा रहे हैं, वो तो समाधि है ही। उस अवस्था में व्यक्ति जीवन की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की हर एक समस्याओं का निवारण कर सकता है, उस अवस्था का नाम समाधि है। जो व्यक्ति समाधि की प्राप्ति कर लेता है या समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के पास स्वयं की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की हर एक समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य होता है, वो है समाधि। तो योग दर्शन जो है एक प्रकार से समाधि का दर्शन है, जो कि आपको समाधि की प्राप्ति कराएगा। ब्रह्म दर्शन है जो कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा। आत्म दर्शन एक प्रकार की आत्मा की प्राप्ति कराएगा। इसलिए तो योगा समाधि कह दिया, योग क्या है, समाधि है। इसलिए योग दर्शन मतलब समाधि का दर्शन, एक ऐसा दर्शन जो आपको समाधि, समाधि कैसी होती है, समाधि प्राप्त करने पर क्या क्या और प्राप्त होता है, कौन कौन सी विभूतियां आती है, कौन कौन सी सिद्धियां आती हैं, और समाधि प्राप्त करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, जैसे मन पर नियंत्रण। इसलिए तो योग चित्त वृत्ति निरोधक कह दिया कि मन पर नियंत्रण करना, चित्त पर नियंत्रण करना, मन के विचारों को रोकना। फिर विचार कैसे हैं, तो दो प्रकार के विचार बता दे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक प्रकार से मैं यहाँ पर पूरा योग दर्शन की भूमिका आपके सामने रख रहा हूँ आज, कि पूरा योग दर्शन में आप जो जो पढ़ेंगे आज की कक्षा उसकी भूमिका बताएगी। कि यहाँ पर फिर समाधि बता दिया कि आप समाधि की स्टेट को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो कैसे विचार करने हैं, तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट विचार। क्लिष्ट क्या है, तो कहा ऐसे विचार जो आपको दुख देते हैं वे क्लिष्ट विचार हैं, और अक्लिष्ट क्या है, ऐसे विचार जो आपको मुक्ति प्राप्त कराते हैं, सुख देते हैं, वो अक्लिष्ट विचार हैं। तो इसलिए कहा दो प्रकार की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां। मतलब दो प्रकार के विचार हैं, ऐसे विचार जो आपको सुख देंगे और ऐसे विचार जो आपको दुख देंगे। जो विचार आपको दुख देंगे वो हो गया क्लिष्ट, और जो विचार आपको सुख देंगे वो हो गए अक्लिष्ट। यहाँ फिर ऐसे वृत्तियों की भी चर्चा करेंगे। फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो आपका चित्त है, जो आपका मन है, वो कौन कौन से स्टेट में रहता है, कौन कौन सी भूमि में रहता है। जैसे आप हैं वो घर में रहते हैं, किसी घर में रहते हैं, वैसे हमारा मन भी पांच अवस्था में रहता है, पांच भूमियों में रहता है। तो क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है, इन पांच भूमियों की भी हम चर्चा करेंगे। फिर उसमें हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे, क्रिया योग की चर्चा करेंगे,
जब योग का अभ्यास करने करते जाएंगे तो फिर अनेक प्रकार की विभूतियां आपको प्राप्त होंगी, सिद्धियां मिलेंगी। तो सिद्धियां जो है वो आपके योग मार्ग में बाधक हैं, तो कौन कौन सी सिद्धियां आपके योग मार्ग में बाधक हैं और कैसे व्यक्ति सिद्धियों को इग्नोर करते हुए योग मार्ग में आगे बढ़ता है, केवल की ओर बढ़ता है, ब्रह्म की ओर बढ़ता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज कई लोग नए जुड़े हैं अलग यूनिवर्सिटी से, तो थोड़ा सा मैं अपना सामान्य परिचय बता देता हूँ उन सभी के लिए। आचार्य हेमंत जी हैं HOD, हेमंत सर जुड़े हैं। हाँ जी जी भैया जुड़े हुए हैं, ऐड हैं वो। बोल नहीं रहे कुछ इसलिए। शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है, वो माइक ऑन तो किए हुए हैं। एक मिनट, हाँ तो थोड़ा सा मैं सामान्य परिचय बता देता हूँ एकेडमी का। हेमंत सर प्रणाम। आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज से कई बच्चे यहाँ जुड़े हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन ले लेते हैं उनके लिए भी। हमारी जो एकेडमी है ये पिछले 2020 के मई से चल रही है, और हम लोगों ने हमारी अकादमी के माध्यम से अब तक 45 बच्चे यहाँ से नेट क्वालिफाई हुए हैं और 10 बच्चे JRF क्वालिफाई हुए हैं। तो ये हमारा अब द्वितीय सत्र चल रहा है जिसमें हम योग विषय से नेट JRF की तैयारी करवा रहे हैं, और अब तक हम लोगों ने कम से कम 25 दिसंबर से ये क्लासेस शुरू की थी 2020 के 25 दिसंबर से, और ये कक्षा नियमित चल रही है जिसमें हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी करवाते हैं। तो जो भी छात्र अब इसमें जुड़ना चाहे, प्रतिदिन पढ़ना चाहे, तो आप लोग का स्वागत है, आप लोग पढ़ सकते हैं।